हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और यार आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन हमारे रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स वर्सेस वन प्लस नॉर्ड के बीच में। लास्ट जो स्पीड टेस्ट मैंने किया था वो K20 प्रो के साथ किया था वन प्लस नॉर्ड का, तो भी चैनल के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। अब आज के इस वीडियो में जो वेरियंट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आप यहाँ पे देख सकते हो। रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स का 6128 GB वेरियंट है और नॉर्ड का यार बेस वेरियंट अभी अवेलेबल जो है वो 8128 ही है। 664 भाई सेप्टेम्बर में आएगा तो वो अभी मैं परचेज भी नहीं कर सकता था। अब दोनों फोन्स में यार अलग अलग सॉफ्टवेयर हमें मिल जाता है। शाओमी के फोन में यहाँ पर MIUI 11 मिल जाता है जो कि लेटेस्ट वर्जन पर मैंने अपडेट किया हुआ है। वहीं वन प्लस नॉर्ड यहाँ पर चलता है ऑक्सीजन OS के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो काफी डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है स्पीड टेस्ट के अंदर। और दोनों ही फोन्स के अंदर अलग अलग प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। हमारे जो नोट 9 प्रो मैक्स है वो यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G के साथ आता है, वहीं जो नॉर्ड है वो स्नैपड्रैगन 765G के साथ आता है। ये 5G प्रोसेसर है वन प्लस नॉर्ड में, लेकिन भाई 5G का इंडिया में कोई सेंस नहीं है, तो 5G फोन समझ के यार इस फोन का भी परचेज मत करना। और दोनों फोन्स के अंदर यार सिमिलर एप्लीकेशन में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। दोनों फोन्स मैंने रीसेट किए हैं इस टेस्ट को करने से पहले। दोनों फोन्स के अंदर जो गेम स्पीड बूस्टर है वो मैंने यहाँ पर ऑफ किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले इस टेस्ट को बूट अप कंपैरिजन से दोनों फोन्स के। तो दोनों फोन्स कंप्लीटली पावर्ड ऑफ है, 3, 2 एंड 1 बूम। सो दोनों फोन्स के अंदर हैप्टिक फीडबैक आ चुकी है और लोगों यहाँ पे आप देख सकते हो। और देखते हैं भाई कौन सा फोन यहाँ पे फास्टर निकल के आएगा, बट मेरा गैस तो भाई यहाँ पे वन प्लस नॉर्ड के लिए है। अभी देखते हैं। बट भाई इस रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स भी यहाँ पर बूट अप कर सकता है, इसका भी काफ़ी कमाल का बूट अप टाइम है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है भाई, देखा है यहाँ पर आपने दोनों फोन्स के अंदर। फिंगरप्रिंट सेंसर भी दोनों फोन्स में चेक कर लेते हैं एक बारी। वन प्लस में एंड्रॉयड डिस्प्ले है और यहाँ पे नोट 9 प्रो मैक्स में फिजिकल है, और यहाँ पे देख सकते हो, तो देख सकते हो भाई अगेन, तो यहाँ पे स्लाइटली फास्ट लगेगा आपको नोट 9 प्रो मैक्स। सो दोनों फोन्स में रिसेंट एप्स में कुछ भी रनिंग नहीं है। दोनों फोन्स के अंदर सेम वाईफाई नेटवर्क मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, देख सकते हो, और दोनों फोन्स के अंदर सिमिलर एप्लीकेशन है, देख सकते हो यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन से, 3, 2 एंड 1 गो। और काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है बाय द वे गाइस, अगर मैं कुछ भी गलत बताता हूँ तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हैं। और दोनों फोन्स यार मैंने खुद परचेज़ किए हैं, तो भाई यहाँ पे कोई भी बायस्ड मैं आपको चीज़ नहीं बताने वाला, एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन बताने वाला हूँ। बाकी आपको स्क्रीन पर भी दिखता रहेगा मैसेंजर, और यहाँ पर नॉर्ड फास्टर था भाई। प्ले स्टोर, तो प्ले स्टोर अगेन भाई नॉर्ड में क्विकर ओपन हुआ है। कैमरा एप्लीकेशन और नोट 9 प्रो मैक्स स्लाइटली फास्टर है आई थिंक यहाँ पर। सेटिंग्स एप्लीकेशन भी ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर भाई नॉर्ड फास्टर है। ट्विटर, ट्विटर यहाँ पे देख सकते हो ब्लेजिंग फास्ट हमारे नॉर्ड के अंदर। यूट्यूब, और यूट्यूब भाई हल्का सा यहाँ पर फास्ट था, उसके बाद ये था, ये मैंने अनबॉक्सिंग भी डाली थी तो ये वाली भी चेकआउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम में भाई नॉर्ड देख सकते हो भाई, नोट 9 प्रो मैक्स यहाँ पर लेटेस्ट फीड के साथ आया है। एक बार यहाँ पर फ्रंट फेसिंग कैमरा भी चेक कर लेंगे दोनों ही फोन्स के अंदर, और इसमें बैक है भी, अब दोनों में देख लेते हैं भाई। तो भाई नॉर्ड स्लाइटली यहाँ पे फास्टर है जैसे कि आप देख सकते हो। एक बार मेरी प्रोफाइल भी चेक कर लेते हैं दोनों फोन्स में, और यहाँ पे नोट 9 प्रो मैक्स आई थिंक फास्टर था। बाय द वे गाइस, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम geek.abhishek, मज़ा आ जाएगा यार। कोरा, तो नॉर्ड फास्टर है भाई यहाँ पर। विंक म्यूजिक, और आई थिंक काफ़ी ज़्यादा क्लोज था बट आई थिंक नॉर्ड यहाँ पे स्लाइटली फास्टर था, बट आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। सबवे सर्फर्स, और यहाँ पे भाई गेम्स हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा पता चलेगा डिफरेंस कितना है। और यहाँ पे भाई नॉर्ड देख सकते हो इतना डिफरेंस मिलता है, बाकी यार बहुत ज़्यादा यूज डिफरेंस नहीं है। नोट 9 प्रो मैक्स भी काफ़ी ज़्यादा कीप अप कर रहा है 765 के, तो ये काफ़ी अच्छा यार मुझे लगा है। यहाँ पे स्मैश शीट भी चेक कर लेते हैं दोनों फोन्स के अंदर, ये भी गेम ही है भाई, काफ़ी ज़्यादा क्लोज है भाई, 765 से बिल्कुल भी पीछे नहीं हमारा 720G। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है यार ये सब देखना। अब पबजी भी टेस्ट कर लेते हैं यार भाई, हम सब लॉन्डो की फेवरेट गेम है ये, और देखते हैं भाई यहाँ पर कितना डिफरेंस मिलता है हमें। एक्चुअली भाई ये नॉर्ड ने हमारे K20 प्रो को भी बीट कर दिया था लास्ट स्पीड टेस्ट में पबजी ओपनिंग में। और भाई देख सकते हो काफी ज्यादा फास्ट है हमारा नॉर्ड, यहाँ पे आ भी चुका है भाई ये इतनी जल्दी। और फाइनली भाई नोट 9 प्रो मैक्स भी डन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा यार डिफरेंस देखने के लिए मिल गया है, काफ़ी मिल गया है मतलब,
ग्राफिक सेटिंग्स भी देख लो भाई, दोनों फोन्स में सिमिलर मिल रही है। स्मूथ प्लस अल्ट्रा इनकी 40 FPS है दोनों के अंदर, और हाईएस्ट सेटिंग्स दोनों में HD तक जाती है, उससे ऊपर नहीं जाते हैं दोनों फोन्स। पर यार गेमिंग एक्सपीरियंस दोनों फोन्स के अंदर डिफरेंट देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन OS वर्सेस MIUI में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है भाई। इसका डेडिकेटेड गेमिंग टेस्ट भी आएगा मेरे चैनल पे, इसमें K20 Pro और A51 या फिर पोको X2 जैसे स्मार्टफोन भी होंगे। वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किसके साथ आपको देखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट गेम पे चलते हैं भाई, एक बार कॉल ऑफ ड्यूटी को भी ओपन कर लेते हैं दोनों फोन्स के अंदर। यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेशन का डिफरेंस है जैसा आपने नोटिस किया होगा। एज एक्सपेक्टेड गाइज, काफी ज्यादा ब्लेजिंग फास्ट है भाई हमारा नॉर्ड, और प्राइस का भी डिफरेंस है तो उतना ज्यादा डिफरेंस चलता है भाई, इतना तो पैसे का भी डिफरेंस है भाई, 5-7 हज़ार रुपये का। लास्टली यार यहाँ पे वीडियो रेंडरिंग भी कर लेते हैं, वीडियो शॉप ऐप को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं दोनों फोन्स के अंदर। इंपोर्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो दोनों फोन्स में एक बार यहाँ पे मैं डन पे क्लिक करता हूँ, और भाई यहाँ पे नॉर्ड ने पहले इसको इंपोर्ट किया है। नेक्स्ट, और ओवरऑल मोटोरोला में काफ़ी ज़्यादा फोकस यहाँ पे हम करते हैं सेव, एंड सेव टू कैमरा रोल दोनों में एक साथ में हिट करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे जो मेन रियल डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा किसी भी एक प्रोसेसर का आपको वीडियो रेंडरिंग में भाई एक्चुअल यहाँ पे पता चलता है, तो यहाँ पे देखना भाई क्या होता है। और भाई एक चीज़ बोलना चाहूँगा, लास्ट जो मैंने टेस्ट किया था स्पीड टेस्ट, उसके अंदर थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैंने K20 Pro और OnePlus Nord में सेव्ड फाइल को दोबारा से सेव कर दिया था, और यहाँ पे देख सकते हो भाई ये फास्टर है हमारा OnePlus Nord यहाँ पे, और ऑब्वियस है डिफरेंस भाई, पैसे का डिफरेंस है तो इतना तो डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल OnePlus के इसको क्लोज परफॉर्म करने की, बट यार ये फन होता है स्पीड टेस्ट देखना ऐसे। अब यहाँ पे रैम मैनेजमेंट भी भाई चेक कर लेंगे दोनों फोन्स का, फोन डायलर, तो भाई नोट 9 प्रो में रिफ्रेश मैसेजेस, नोट 9 प्रो अगेन रिफ्रेश प्ले स्टोर, तो दोनों फोन्स मेमोरी में है कैमरा, तो भाई नोट 9 प्रो मैक्स में कैमरा भी रिफ्रेश हुआ है, OnePlus अभी तक कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। सेटिंग्स भी भाई नोट 9 प्रो मैक्स में रिफ्रेश हो रही है। ये Xiaomi वाले भाई बिल्कुल सॉफ्टवेयर को एकदम बर्बाद कर देते हैं यार MIUI के अपडेट्स के बाद। देख सकते हो यहाँ पे ट्विटर भी रिफ्रेश हुआ, यूट्यूब भाई यूट्यूब भी रिफ्रेश हो गया है, मतलब यार इन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया नोट 9 प्रो मैक्स को। अभी कुछ अपडेट्स पहले भाई ये नोट 9 प्रो मैक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मेरे रीसेंट स्पीड टेस्ट आप देखना यहाँ पे ऊपर कार्ड में, मैं आपको लिंक दे दूंगा, और यहाँ पे इंस्टाग्राम भी चेक करते हैं, तो भाई ये भी रिफ्रेश हो चुका है। बहुत बेकार यार परफॉर्म कर रहा है नोट 9 प्रो मैक्स, अगर ऐप्स ओपन कर लेता है कोई फ़ोन बट उसको मेमोरी में नहीं रख पाता है तो भाई उसका कोई भी मतलब नहीं है। अब ये नए नए फोन्स लॉन्च करते हैं भाई, तब तक ये ठीक चलता है, 2-4 अपडेट आते हैं ना उसके बाद इनका काम हो जाता है, और यहीं पे यार USP बढ़ जाती है हमारे OnePlus की ऑक्सीजन OS के साथ, और भाई देख सकते हो लाइन से रिफ्रेश कर रहा है Surface, तो भाई ये भी रिफ्रेश स्मैश इट, और भाई देख सकते हो ये भी रिफ्रेश हो चुका है यहाँ पे नोट 9 प्रो मैक्स। OnePlus भाई कोई दिक्कत नहीं दे रहा है अभी तक, और भाई ये हाल तो तब है जब मैंने गेम बूस्टर ऑफ किया हुआ है, अगर वो मैंने ऑन किया होता तो बैकग्राउंड की सारी प्रोसेस को किल कर देता, और भाई PUBG भी मेमोरी में नहीं है, वहीं जो हमारा OnePlus है भाई वो सब कुछ यहाँ पे मेमोरी में रखे हुए है। कॉल ऑफ ड्यूटी भाई बहुत बेकार परफॉर्म कर रहा है नोट 9 प्रो मैक्स लेटेस्ट अपडेट्स के बाद, वीडियो शॉप बहुत गंदी परफॉर्मेंस मिली है भाई नोट 9 प्रो मैक्स का, रैम मैनेजमेंट भाई लेटेस्ट अपडेट के बाद एकदम बर्बाद हो चुका है। Xiaomi वाले यार पता नहीं क्या करते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, बिल्कुल फ़ोन को बर्बाद कर देते हैं। जब मैंने नोट 9 प्रो मैक्स को परचेज किया था, कुछ मैंने इसके स्पीड टेस्ट किए थे अभी कुछ दिनों पहले ही किया था भाई यहाँ पे Realme 6 के साथ, काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म कर रहा था, लेकिन भाई रीसेंट कुछ अपडेट्स आए हैं स्टिल इस फ़ोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बग्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। आप इसको लॉक कभी कभी इसको ऐसे ओपन करोगे और इसकी होम स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, और ऐसे छोटे मोटे काफ़ी सारे बग्स हैं इसके अंदर, तो भाई Xiaomi को डेफिनेटली काम करने की ज़रूरत है अपने MIUI के ऊपर। अभी जो नया वाला MIUI ला रहे हैं मे बी उसके अंदर ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाएं, बट भाई यहाँ पे जो हमारा चैम्प है OnePlus ऑक्सीजन OS के साथ बीट कर देता है सारी फोन्स को ऑलमोस्ट जितने मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। अब दो को तो ये बीट कर चुका है, अब देखते हैं पोको के साथ ये कैसा यहाँ पर कीप अप करेगा। बाकी सैमसंग A51 पे नेक्स्ट स्पीड टेस्ट मेरे चैनल पे आने वाला है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। आप सब्सक्राइब कर सकते हो यार, कमाल की वीडियोज आने वाली है। अभी बैटरी ड्रेन टेस्ट में लेके आने वाला हूँ इन दोनों ही फोन साथ में, पोको X2 नोट 9 प्रो मैक्स A51 का। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। आप मुझे फॉलो कर सकते हो ट्विटर इंस्टाग्राम पे, मैं काफ़ी कमाल के स्टफ वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।